गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज स्टार्ट करने वाले साइंस वन का, दैट इज चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे फर्स्ट हम लोग समझने का ट्राई करते कंसेप्ट ऑफ क्या है पोटेंशियल। अब यहाँ पे आपको चार एग्जाम्पल्स दिया गया। एक दिया हीट, विंड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या नोटिस कर सकते, दैट इज जो हीट जो फ्लो होता है, ये हमने ऑलरेडी लोअर स्टैंड में पढ़ा है, हीट जो फ्लो होता है ये हाई टेम्परेचर से कहाँ की हो जाता है, लोअर टेम्परेचर की हो जाता है। जैसे अगर कोई गर्म ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि कॉफी, इतने गर्म कॉफी रखा, बहुत देर तक रखोगे तो क्या होता है, ठंडा पड़ जाता है। रीजन क्या है, उसके अंदर का हीट क्या होता है, बाहर क्या होते रहता है फ्लो। इवन जो विंड का फ्लो है, एयर का जो फ्लो रहता है, साइक्लोन्स जब होते हैं तो क्या होता है, एक लो प्रेशर रीजन जनरेट होता है एंड सराउंडिंग के हाई प्रेशर से क्या होता है, विंड्स कहाँ पे जाने स्टार्ट करते, लो प्रेशर की ओर जाने स्टार्ट करते। इवन जो वाटर है, वाटर हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, एक हाई पॉइंट से कहाँ पे जाता है, लोअर पॉइंट की ओर गिरता है। पानी का फ्लो हमेशा ऊंचे हाइट से कहाँ पे आता है, नीचे वाले हाइट में। नेक्स्ट है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। जो क्लाउड्स जो होते हैं थंडर्स के वक्त, क्लाउड्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ क्या होता है, रब होता है, जिसकी वजह से क्या होने स्टार्ट होते हैं, उसमें चार्जेस डेवलप होता है। अर्थ जो रहता है उसमें कोई चार्ज रहता नहीं है। फिर बाद में क्या होता है, ये जो चार्ज है ये थंडर के फॉर्म में क्या होता है, अर्थ पे आके क्या करता है, स्ट्राइक करता है। ओके, तो पोटेंशियल हमें कौन सा कंसेप्ट समझने को हेल्प करता है, पोटेंशियल हमें हेल्प करता है दैट इज चीजों का फ्लो के बारे में अंडरस्टैंडिंग देने। जैसे पोटेंशियल, यहाँ पे हमें हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, एयर का फ्लो कहाँ से होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, वाटर कहाँ से कहाँ जाता है, ऊंचे हाइट से नीचे के हाइट पे, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हमें आइडिया देता है फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस का क्या देता है, एक हमें जनरल डायरेक्शन के बारे में हमें एक आइडिया देता है। ओके, अब बात करते इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये हमें किसके बारे में आइडिया देता है, डायरेक्शन देता है किसका, फ्लो का, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कोई भी एटम में पॉजिटिव चार्ज किसके वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें आइडिया देता है प्रोटॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो होता है। जैसे यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, ये जो ऊपर का पार्ट है हायर पोटेंशियल है, ये जो नीचे का पार्ट है लोअर पोटेंशियल है। क्या समझते हैं, ऊपर का पार्ट हायर है नीचे का पार्ट लोअर है, आप नोटिस कर सकते हो प्रोटॉन्स कहाँ पे जा रहे हैं, नीचे। ठीक है, प्रोटॉन्स का फ्लो हमेशा कहाँ से होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इवन जो आप बैटरीज वगैरह अभी आप देखोगे, तो बैटरीज वगैरह जो रहता है इसमें जो भी पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा उसको नोटिस हो रहा है एक बड़े डैश से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड जो नेगेटिव पोटेंशियल है ये किसके थ्रू बताया है, लोअर पोटेंशियल। ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट होता है, दैट इज आप बोल सकते हो ये बैटरीज वगैरह आपने देखा रहेगा, बैटरीज में क्या रहता है, दैट इज केमिकल रिएक्शन के वजह से ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जनरेट। जनरली जो मेटल्स रहते हैं उनका चार्ज क्या होता है, प्लस होता है। क्यों प्लस होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। जनरली जो नॉन मेटल्स रहते हैं, नॉन मेटल्स का जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस। रीजन बीइंग वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट करता है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, गिव एंड टेक के वजह से बैटरी में क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोटेंशियल आ जाता है। तो आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किसका आइडिया देता है, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, दैट इज फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो होएगा, हायर पोटेंशियल से कहाँ पे जाएगा, लोअर पोटेंशियल की ओर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो जो एक जो एंड है, लेट से हमारा एंड ये क्या है ए, और ये वाला एंड हमारा क्या है बी। क्या नोटिस हो रहा है, ये ए वाले एंड से क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर होते जा रहे कहाँ की ओर, पॉइंट बी की ओर। ठीक है, क्यों बी की ओर जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहां से कहा जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। अब ये फ्लो कब तक होते रहेगा, जब तक होते रहेगा जब तक दोनों का जो पोटेंशियल है ये दोनों क्या हो, सेम हो। जैसे पोटेंशियल सेम होगा ये फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स जो है ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा।
तो प्रोटॉन्स के फ्लो के लिए सबसे मेन क्या इंपॉर्टेंट है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग जो कंसेप्ट करने वाले, उसका नाम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इन सेल्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? इट इज द डिफरेंस बिटवीन क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ क्या बोला गया, सेल्स। ओके, अब होता है क्या, जब एक प्रोटॉन को क्या करना पड़ता है, प्रोटॉन के पास क्या रहेगा, कुछ ना कुछ क्या रहने वाला है, मास रहेगा। जब मैं एक चीज को क्या करता हूं, एक पार्ट से लेके दूसरे साइड पे लेके जाता हूं, तो पहले चीज तो क्या हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एंड डिस्प्लेसमेंट होने के लिए क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो जब भी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उससे क्या जनरेट होने वाला है, वर्क डन जनरेट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन किस में, मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज कहां से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। आई होप ये पार्ट क्लियर है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, इट इज द वर्क डन किस में, इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन को कहां से, अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल से पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल की ओर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो, इसका जो फॉर्मूला है, हम लोग किसके थ्रू डिराइव कर सकते, इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब एक प्रोटॉन को। वर्क डन को रिप्रेजेंट किससे किया, डब्ल्यू। टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट किससे किया गया, क्यू। SI यूनिट जो वोल्ट का रहेगा, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस का रहेगा, वो क्या रहेगा, दैट इज वोल्ट। वोल्ट का डेफिनेशन क्या है, 1 वोल्ट इक्वल्स क्या रहता है, 1 जूल अपॉन क्या रहेगा, 1 कूलो। ये कंप्लीट करता है हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग समझने का ट्राई करते हैं एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है इसका। अब एग्जैक्टली होता है क्या, यहाँ पे प्रोटॉन जो रहता है ये कहां से जा रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जा रहा है। हाई पोटेंशियल का मतलब क्या है, इसके पास क्या रहने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। जैसे जैसे ये ऊंचे पोटेंशियल से लेस पोटेंशियल की ओर जा रहा है, उसका पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी। सेम जैसे हमने वो बॉल का एग्जाम्पल देखा, जब बॉल को हम लोग क्या करते, ऊंचे हाइट से नीचे हाइट पे लेके आते, तो उसका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो है पूरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट। सेम गोज फॉर दिस प्रोटॉन। जब ये पॉजिटिव चार्ज के पास रहता है, उसके पास क्या रहता है, बहुत अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रहता है। लेकिन जैसे ही वो क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल की ओर जाता है, उसके अंदर जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी। ये सबसे फर्स्ट चीज है। सेकेंड चीज क्या है, अब यहाँ पे बात करते हैं फोर्स। फोर्स यहाँ पे कौन प्रोवाइड करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ये फोर्स प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने का ट्राई करेगा, ये प्रोटॉन को पुश करेगा किधर की ओर, लोअर पोटेंशियल के ओर, ठीक है। फिर दूसरा, ये जो एनर्जी है ये प्रोटॉन को मूव करने का, ये कौन देता है, ये देता है पोटेंशियल डिफरेंस देता है। एक और बात शॉर्ट में, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, जो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के यहां पे रहता है, उसके पास क्या रहता है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ क्या रहता है, पोटेंशियल एनर्जी रहता है। जैसे वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। फिर नेक्स्ट चीज हमने देखा कि फोर्स लगता है, राइट। फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको प्रोवाइड करता है, प्रोटॉन को, कहां से कहां मूव करना है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। दूसरा, ये प्रोटॉन्स को मूव करने कुछ तो एनर्जी लगेगा, तो ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है, हम लोग का बैटरीज क्या करता है, प्रोवाइड करता है। आई होप ये पार्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे से आपको क्लियर हो। अब हम लोग का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने दैट इज चैप्टर नंबर 4 में किया था कि जो हर जो क्या रहता है, दैट इज एटम रहता है, इसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो क्या रहता है, डिफरेंट ऑर्बिट्स में रहता है, ठीक है। अब होता है क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या रहेगा, माइनस। प्रोटॉन्स का चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्या करेगा ये, इसको क्या करते रहेगा, अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा क्या रहेगा, दूर रहेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, उतना ज्यादा क्या होगा, वीक होगा। तो यहां पे भी वही पार्ट बताया गया है कि हर एटम के पास
क्या रहता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं कहाँ पे, आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर के इसमें रहता है। एंड ये इलेक्ट्रॉन्स का स्पेशलिटी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं लूजली बाउंडेड। लूजली बाउंडेड मतलब क्या है, इसका जो न्यूक्लियस से आने वाला जो फोर्स है ये क्या रहेगा, वीक रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले चीज याद दे रहा, लेट से यहाँ पे क्या है सोडियम, सोडियम लेट से अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, तो सोडियम के ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, क्लोरीन के पास, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहाँ पे कौन सा चार्ज बनाएगा, Cl-। तो जैसे कोई चीज या इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है, वो क्या करता है, अपने साथ नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर करने का काम किसको ऊपर जाता है, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जाता है। आई होप ये पार्ट अच्छे से आपको क्लियर है। तो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, मेटल्स। मेटल्स के पास क्या रहते हैं, बहुत सारे क्या रहते हैं, ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते, इसीलिए मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर्स है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब वो क्या कर सकता है, इजीली ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर सकता है, अपने अंदर कैरी कर सकता है। अब इतने देर से हम लोग बात किसके बारे में कर रहे थे, प्रोटॉन्स के बारे में। अब क्यों हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोटॉन्स से पढ़ेंगे नहीं, द रीजन बीइंग प्रोटॉन्स जो है ये क्या रहता है, बहुत हैवी रहता है। कितना टाइम्स हैवी बोला है, 1800 टाइम्स हैवियर है किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो आप खुद सोचो, अगर एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, तो आपको फोर्स भी क्या लगेगा, बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए प्रोटॉन्स के बारे में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। सेकेंड रीजन बीइंग दैट प्रोटॉन्स किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, और वो क्या रहता है, न्यूक्लियस के अंदर हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। तो उसको हम लोग क्या, दैट इज एक एंड से दूसरे एंड पे मूव कर सकते हैं क्या, तो इसका आंसर है नहीं। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, हम लोग किसको यूज करके करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेंगे। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है क्यों हम लोग दैट इज प्रोटॉन्स को यूज नहीं कर रहे। द फर्स्ट रीजन बीइंग प्रोटॉन्स आर 1800 टाइम्स क्या रहता है, हैवियर रहता है। उसको मूव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा लगेगा एनर्जी लगेगा, दैट मींस आपको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा, क्या करने, प्रोटॉन्स को पुश करने। दूसरा रीजन क्या है, प्रोटॉन्स कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और उसके अंदर क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। तो क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियस को बाहर, सॉरी प्रोटॉन को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं क्या, तो इसका आंसर है नहीं। आई होप ये पार्ट क्लियर है क्यों प्रोटॉन्स यूज नहीं होता है एंड क्यों इलेक्ट्रॉन्स यूज होता है, ये आपको क्लियर है। तो दैट इज हम लोग इतने देर से प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ रहे थे। प्रोटॉन्स का जो फ्लो है आप नोटिस कर सकते हो, कहां से कहां जा रहा है, इट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, ये हमने इतने देर से पढ़ा था। ये क्या है, कन्वेंशनल डायरेक्शन। कन्वेंशनल मतलब क्या है, दैट इज करेक्ट जो डायरेक्शन रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा नेचर में कहां से कहां फ्लो होना चाहिए, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। लेकिन हमने अभी पढ़ा था प्रोटॉन्स फ्लो नहीं हो सकता है, वाई, बिकॉज इट्स मास इज मोर, सेकेंड वो न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, फिक्स। तो करेक्ट डायरेक्शन क्या है, करेक्ट डायरेक्शन इज द फ्लो ऑफ क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, कहाँ की ओर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो वो कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, इट इज फ्लोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल, और यही क्या रहता है, डायरेक्शन ऑफ क्या रहता है, करंट। एक और बार, प्रोटॉन्स फ्लो नहीं हो सकता है, द फर्स्ट रीजन बी उसका वेट इज 1800 टाइम्स मोर देन क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट विल रिक्वायर मोर इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड, कहाँ के अंदर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इसके वजह से इसको हम लोग मूव नहीं कर सकते। तो जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है इट इज बेस्ड ऑन क्या है, प्रोटॉन्स। कन्वेंशनल डायरेक्शन का लॉजिक क्या है, हर चीज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है। लेकिन हमने अभी पढ़ा क्या रहता है, फ्लो एक्चुअल में चार्जेस किसके वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की ओर, इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो कहाँ से कहाँ रहेगा,
लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर। यहाँ पे भी वही चीज लिखा गया, आप जस्ट वो पार्ट रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या रहता है, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है किसके थ्रू, कंडक्टर। कंडक्टर इज बेसिकली एक वायर के थ्रू। तो हम लोग कैसे डिफाइन करते, इट इज द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब आपको चार्ज को डिवाइड करना रहेगा टाइम के साथ। इसका जो SI यूनिट रहने वाला है ये क्या रहेगा, एम्पियर। 1 एम्पियर क्या रहेगा, दैट इज 1 कूलोम अपॉन क्या रहता है, 1 सेकेंड। चार्ज का जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, दैट इज कूलोम। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, दैट इज सी से। इसको समझने के लिए आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव चार्जेस है, ये लेस है। यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है। तो इधर आप क्या बोलोगे, करंट इज मोर, और इधर आप क्या बोलोगे, करंट क्या रहेगा, लेस। दूसरा, आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इट इज कितना, 1.6 × 10⁻¹⁹, अलॉन्ग विथ कौन सा साइन यहाँ पे रहने वाला है, माइनस साइन रहेगा। ओके, तो हम लोग करंट जो है दो टाइप का रहता है, एक रहता है दैट इज स्मॉल करंट्स रहता है, दूसरा क्या रहता है, लार्ज करंट्स रहता है। स्मॉल करंट्स कौन से रेंज में रहता है, दैट इज माइक्रो एम्पियर एंड दैट इज मिली एम्पियर। ये सब करंट्स जो है किसमें यूज करते हैं, हम लोग छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि वॉचेस, कैलकुलेटर्स चलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। लार्ज करंट्स जैसे कि 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, ये करंट हम लोग किसके लिए यूज करते, इलेक्ट्रिक हीटर जो हम लोग दैट इज पानी गर्म करने के लिए यूज करते। सेकेंड क्या बोला है, एयर कंडीशनर्स। तो ये दोनों क्या करते हैं, हाई अमाउंट ऑफ करंट्स को क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है। जैसे कि कितना रहेगा, दैट इज आप बोल सकते हो यहाँ पे रहेगा दैट इज 1 एम्पियर या फिर 10 एम्पियर। तो ये सब करंट्स को लार्ज करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक जो करंट रहता है ये बेसिकली दो टाइप का रहता है, या टेंथ में पढ़ोगे। एक क्या, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट जिसको हम लोग AC बोलते हैं, एक है डायरेक्ट करंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, DC। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या है कि यहाँ पे वायर के थ्रू करंट कभी ऐसे जाएगा एक डायरेक्शन में, एंड कभी क्या होता है ऐसे जाता है। करंट क्या करता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है टाइम के साथ। डायरेक्ट करंट में क्या होता है, करंट सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लो। ऑल्टरनेटिंग करंट हम लोग कहाँ पे यूज करते, हम लोग का जो भी घर पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो सब किस पे काम करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट पे। डीसी करंट आपको किसके थ्रू मिलता है, दैट इज बैटरीज के थ्रू। जो भी आपका दैट इज रिमोट के अंदर का जो भी बैटरीज वगैरह रहता है, या क्लॉक्स में जो भी बैटरी रहता है, ये सब किसका एग्जाम्पल है, दैट इज डायरेक्ट करंट का क्या है, एग्जाम्पल्स। तो आपको करंट के बारे में क्या सोचना है, ये जस्ट क्या है, फ्लो ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन है किसके थ्रू, कोई भी वायर के थ्रू, किसमें, पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग। स्मॉल करंट्स किसमें यूज करते हैं, वॉचेस एंड कैलकुलेटर्स। मिली एम्पियर इज 10⁻³, माइक्रो एम्पियर इज 10⁻² क्या रहेगा, -6। दूसरा, करंट का दो टाइप से, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड क्या, दैट इज डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट अपना डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है विद टाइम। डायरेक्ट करंट में क्या होता है, करंट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। ऑल्टरनेटिंग करंट डेली लाइफ में आप जो अप्लायंसेस यूज करते हैं उसमें यूज करते हैं। डायरेक्ट करंट जो है कहाँ पे यूज करते हैं, हम लोग बैटरीज, बैटरीज मतलब हम लोग का जो रिमोट से, क्लॉक से, इसमें जो बैटरीज यूज करते हैं वो क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट करंट क्या करता है, प्रोवाइड। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें किसके बीच में रिलेशन देता है, जो हमने स्टार्टिंग के दो जो टॉपिक्स किए थे, एक क्या, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दूसरा जो है किसके बीच में हमें रिलेशन देता है, दैट इज करंट के बीच में। ओके, क्या है एग्जैक्टली ओम्स लॉ। तो सबसे फर्स्ट, अगर हमने क्या नहीं किया, फिजिकल स्टेट चेंज नहीं किया। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल स्टेट्स, तो फिजिकल स्टेट्स हम लोग का यहाँ पे रहेगा दैट इज, आप देख सकते हो, एक क्या रहेगा दैट इज लेंथ। अगर हमने क्या किया, वायर का लेंथ वगैरह चेंज नहीं किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन मतलब आप नोटिस कर सकते हो चौड़ाई जो रहता है, इधर देख रहे हैं वायर बहुत पतला है, यहाँ पे वायर क्या है, मोटा है। दूसरा क्या है, टेम्परेचर, वायर का टेम्परेचर आप बदल नहीं रहे हो। एंड लास्ट क्या है, मटीरियल। अगर ये सारी चीजें आप क्या रख रहे हो, सेम रख रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, बोला गया जो करंट जो क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है, किसके थ्रू, दैट इज टू एंड्स के थ्रू।
वो क्या रहेगा बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किससे, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस से। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, तो जरा ध्यान देना। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे कितना, 5 वोल्ट का। इधर रेजिस्टेंस कितना, दैट इज 2 ओम्स। ओके, अब ये लॉ क्या बोलते हैं, पहले हम लोग देखते, जो करंट फ्लोइंग है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किससे, पोटेंशियल डिफरेंस। प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वल टू डालते तो क्या होगा, कांस्टेंट के आएगा, के इधर मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरा गया तो क्या होगा, डिवाइड। यही जो कांस्टेंट है 1/k, ये किसका काम करता है, आर। यहाँ पे जो आर रहेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस करके बोलते हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू है इसीलिए क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला के हिसाब से करते हैं। तो ध्यान से देखना, पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना रखा है, 5 वोल्ट रखा है। करंट हमें यहाँ पे नहीं पता है। रेजिस्टेंस कितना रखा है, 2 रखा है। ओके, तो करंट यहाँ पे कितना होगा, ये बन जाएगा 5, 2 मल्टीप्लाई कर रहे तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड। ये यहाँ पे कितना होगा, 2.5। तो फर्स्ट केस में हम लोग का यहाँ पे करंट कितना हो गया, 2. क्या हो गया, 5। इधर भी सेम चीज, हमारा करंट कितना होगा, 2.5 एम्पियर रहेगा। अब क्या बोला, दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देंगे, यहाँ पे 10 करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे, और एक बैटरी कनेक्ट कर रहे, कितना, 5 वोल्ट का। अब जो करंट रहेगा ये क्या रहेगा, आई इंटू, ये तो सेम ही रहने वाला रेजिस्टेंस, तो आई इक्वल्स यहाँ पे क्या रहेगा, 10/2, कितना होगा यहाँ पे होगा, दैट इज 5 एम्पियर। अब इस केस में यहाँ पे कितना होगा, जो करंट रहेगा ये क्या होगा, और 2.5 बढ़ेगा, यहाँ पे करंट क्या होगा, और 2.5 क्या होगा, बढ़ जाए, दैट इज टोटल 5 एम्पियर हो रहा है। तो उसमें ने क्या किया, और एक बैटरी कनेक्ट किया। अब वोल्टेज कितना होगा, 15, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, आई इंटू यहाँ पे होगा, दैट इज 2, यहाँ पे आई इक्वल्स इधर होगा 15/2, क्या होगा, 2, विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, 7. क्या होगा, 5। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, नोटिस क्या कर रहे, जितना आप क्या कर रहे हो, वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट भी क्या होते जा रहा है, उतना ही ज्यादा क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये किसका रिलेशन हुआ, दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब जो भी कंडक्टर्स रहेगा, आप यहाँ पे क्या नोटिस कर सकते हो, वोल्टेज जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो, करंट भी क्या हो रहा है, वैसे वैसे क्या होते जा रहे, बढ़ते जा रहे। ग्राफ के थ्रू आप नोटिस कर सकते हो, लेट्स से हम लोग कुछ पॉइंट्स लेते, यहाँ पे इसको लेते 1, यहाँ पे लेते 1, तो वोल्टेज 1 है, करंट भी कितना है, 1 एम्पियर। लेट्स से ये पर्टिकुलर पॉइंट लेते, वोल्टेज कितना है, 2, करंट भी यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 2, वोल्टेज यहाँ पे कितना है, दैट इज 3, करंट भी यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 3। तो क्या नोटिस कर सकते, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसीलिए ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जैसे रहता है। अब जैसे आप 10th में जाओगे, आपको एक कंसेप्ट आएगा जिसका नाम है, इट इज कॉल्ड एज स्लोप। तो अगर आप क्या करोगे, वी को डिवाइड करोगे किससे, आई से, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस आर मिलेगा, और यही किसका काम करता है, दैट इज स्लोप का। स्लोप जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये ग्राफ कहाँ पे जाएगा, दिख रहा है थोड़ा, और इसका एंगल नोटिस हो रहा है, ये जो एंगल ये क्या हो गया, बढ़ जाता है। स्लोप कम होता है तो क्या होगा, नोटिस हो रहा है, ये जो एंगल है ये क्या हो गया, लेस हो गया है। ठीक है, स्लोप कम होने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। स्लोप बढ़ने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम लोग जरा समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से हम लोग क्या करना है, आर को क्या करना है, बढ़ाना है। आर को अगर बढ़ाने का रहेगा तो वी ऑफ कोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। आई क्या होगा, आई हो जाएगा लेस, आप इधर देख भी सकते हो, जब क्या हो रहा है, आर का वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, देखो ये पॉइंट आप पकड़ लो, क्या नोटिस हो रहा है, वोल्टेज 2 है, करंट कितना है, 1, इधर भी वही कंसेप्ट, वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। सेम चीज अगर आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस को करना है लेस,
अगर रेजिस्टेंस को लेस करना रहेगा तो आप क्या करोगे, वोल्टेज को करोगे कम, करंट को आप करोगे ज्यादा। तो इधर भी सेम चीज, ये पर्टिकुलर पॉइंट आप पकड़ो, यहां पे क्या नोटिस हो रहा है, वोल्टेज कितना है 1, लेकिन करंट कितना है 2। दिख रहा है करंट ज्यादा है, वोल्टेज क्या है लेस। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। मेन आपको मेरे को कंसेप्ट सिखाना है, ये सब आपको एग्जाम में कुछ आएगा नहीं, लेकिन स्टिल आपको आई होप कंसेप्ट क्लियर है। अगर इन केस आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस बढ़ाना है, वोल्टेज को बढ़ा दो और करंट को क्या करो कम। ग्राफ में कैसे दिखेगा, ये लाइन थोड़ा एकदम ऊपर जाए, एकदम ऊपर जाता है। अगर आपको रेजिस्टेंस को कम करना है, मतलब क्या करेंगे, वोल्टेज को कम, रेजिस्टेंस को सॉरी करंट को ज्यादा करेंगे। दिख रहा है यहाँ पे, ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, एंगल इसका क्या रहेगा, कम रहेगा। ये एग्जाम्पल आई होप आपको क्लियर है। ये जो ग्राफ है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। जैसे आप क्या करोगे, 11th में जाओगे, आपको एक इक्वेशन आएगा स्ट्रेट लाइन का, दैट इज वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस क्या आएगा सी। यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट किया था, वोल्टेज, एक्स एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट किया था, करंट, स्लोप क्या था, रेजिस्टेंस, ये किसका काम कर रहा है, एम। वाई इंटरसेप्ट मतलब लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, जीरो पे कट कर रहा है, तो इसका जो वाई इंटरसेप्ट है ये क्या रहेगा, दैट इज जीरो। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है और कुछ नहीं। अब हम लोग समझने का ट्राई करते हैं कि एग्जैक्ट हो क्यों रहा है करके। तो जब क्या होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं, तो होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, बढ़ता है। मतलब वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का डिफरेंस जो है वो बढ़ जाता है। वो बढ़ने का मतलब क्या है कि क्या होता है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी क्या होने स्टार्ट होता है, इंक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या रहता है, फोर्स रहता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो चार्ज फ्लोइंग भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे ये करंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। एक और बात, पोटेंशियल डिफरेंस जब बढ़ता है तो होता है क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होने के वजह से जो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिससे क्या होता है, बहुत सारे चार्जेस क्या होने स्टार्ट होते हैं, मूव होते हैं, और अगर चार्जेस का क्वांटिटी बढ़ेगा तो क्या होने स्टार्ट होता है, करंट भी क्या होगा, मूव होगा। और ये हम लोग क्यों यूज करते, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ये हम लोग इसीलिए यूज करते, दैट इज हम लोग क्या कर सकते, वोल्टेज प्रेडिक्ट कर सकते, कैसे, करंट एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू पहचान के, करंट पहचान सकते वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू को, ये करके आइडेंटिफाई करके, रेजिस्टेंस का वैल्यू पहचान सकते कैसे, वोल्टेज एंड करंट का वैल्यू को जान के। आई होप ये पार्ट्स यहां तक क्लियर है। ओम्स लॉ को कैसे यूज करना है ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, दैट इज हम लोग जब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस करेंगे तभी आपको मैं सिखा दूंगा, अभी फिलहाल तो जस्ट यहां तक बेसिक्स आप क्लियर आउट करके रख देना। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये क्या, दैट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है रहता है, तो जब भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से क्या होते हैं, दूसरे जगह पे मूव करते हैं, तो होता है क्या, वो बहुत सारे एटम्स एंड आयंस जो क्या रहेगा, वायर के अंदर रहेगा, ऑल्सो इम्प्योरिटीज जो भी वायर के अंदर रहेगा, वो सबको ये क्या करता है, कोलाइड करता है। कोलाइड होने की वजह से होता है क्या है, इसके अंदर जो भी क्या रहेगा, दैट इज आप बोल सकते काइनेटिक एनर्जी, वो किसमें कन्वर्ट होता है, दैट इज थर्मल एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। बेसिकली आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स अपना एनर्जी क्या करता है, लूज करता है। तो ये जो हिंड्रेंस रहता है, हिंड्रेंस मतलब बोल सकते ये जो रुकावट रहता है इलेक्ट्रॉन्स को, इसको हम लोग क्या कंसिडर करते, रेजिस्टेंस करके क्या करते हैं, कंसिडर करते। अब रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट है ये क्या, दैट इज आप देख सकते हो इसको हम लोग क्या बोलते, ओम करके, जिसने मतलब आप बोल सकते हो ओम्स लॉ डिस्कवर किया था उसके अकॉर्डिंग ही क्या किया, दैट इज का यूनिट को डिसाइड किया। सिंबल आप देख सकते हो, 1 ओम इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1 वोल्ट अपॉन क्या रहेगा, 1 एम्पियर। फॉर्मूला आया कैसे, आर इक्वल्स क्या रहेगा, बी अपॉन क्या होगा, आई। अब सपोज हमने क्या किया, ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो सपोज हमने मटेरियल को सेम रखा एंड हमने टेम्परेचर को अगर क्या किया कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस जो है ये क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ से। रेजिस्टेंस जो है ये क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किससे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से।
इसको समझने के लिए साइड पे जो डायग्राम है उसको जरा समझने का ट्राई करते हैं। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? अगर मुझे क्या करना है, रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, लेंथ ऑफ वायर को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। अगर आप क्या करते हो, कोई भी रोड से क्या करते हो, ट्रैवल करते हो, अगर आप लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो आपको क्या मिलता है, ये पॉटहोल्स जो रोड पे रहेगा, व्हीकल्स जो रोड पे मिलता है, इसका क्वांटिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। ये जो पॉटहोल्स का मैं जो बात कर रहा हूं, ये एक्चुअल में किसका काम कर रहा है, हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल्स का काम कर रहा है। तो जितना लंबा रोड उतना ज्यादा क्या रहेगा, यहाँ पे हिंड्रेंस होगा। सेम गोस फॉर अ वायर ऑल्सो। जब क्या रहता है, हम लोग एक लंबा वायर को लेते हैं तो उसमें बहुत सारे एटम्स, आयन्स एंड इंप्योरिटीज रहते हैं, जिसकी वजह से लंबाई बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर हम लोग यहाँ पे दो रोड्स कंसिडर करते हैं। एक जो रोड है ये क्या एकदम एक्सट्रीमली क्या है, वाइड। दूसरा जो रोड है ये एक्सट्रीमली क्या है, नैरो है। कौन से रोड से ट्रैवल करना क्या होगा, इजी। ऑफकोर्स जो वाइड रोड रहेगा उसमें से ट्रैवल करना क्या होगा, इजी। सेम गोज फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक मोटे वायर के थ्रू क्या होता है, ट्रैवल होता है, उसको क्या होता है, हिंड्रेंस क्या होता है, लेस होता है। अब बोल सकते हो उसको मोर स्पेस क्या रहता है, अवेलेबल रहता है, किसके लिए, मोमेंट के लिए। तो अगर आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है, तो लेट से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वायर को क्या कट कर रहे, दैट इज बीच में से कट कर रहे। तो जब ये वायर को कट किया, वायर को जब आप क्या करोगे, ऊपर से देखोगे, आपको क्या नोटिस होगा, ये एक्चुअल में क्या है, एक सर्कल है। तो ये जो एरिया जो यहाँ पे फॉर्म होता है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आई होप ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है। तो सिंपल में क्या रहेगा, लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शन एरिया का कम होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, दैट इज कंबाइन कर दिया। कंबाइन होने के बाद यहाँ पे आप क्या नोटिस कर सकते हो, प्रोपोर्शनैलिटी से आप क्या करते हो, इक्वल टू में जब डालते हो तो आपको क्या होता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। तो ये कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी करके बोलते हैं। अब रेजिस्टिविटी हमें किस में हेल्प करता है वो हम लोग जानेंगे। तो रेजिस्टिविटी का स्टडी मतलब रेजिस्टिविटी का वैल्यू हमें क्या हेल्प करता है, मटेरियल कंडक्टर है या इंसुलेटर है उसका हमें क्या देता है, आइडिया। मटेरियल का रेजिस्टिविटी हाई रहेगा, इसका मतलब वो क्या रहेगा, किसके साथ काम करता है, एक इंसुलेटर जैसा क्या करता है काम। मटेरियल का अगर रेजिस्टिविटी लो रहेगा तो किसके साथ काम करेगा, वो काम करता है कंडक्टर जैसे। रेजिस्टिविटी का जो उल्टा रहता है या ऑपोजिट, इसको हम लोग के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी करके बोलते हैं। ये हम लोग आगे हायर स्टैंडर्ड्स में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये एग्जैक्टली क्या रहेगा, आप बोल सकते हो उल्टा रहेगा किसका, रेजिस्टेंस का। यूनिट करेंगे, दैट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे यूनिट अगर चाहिए तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, बाकी दो क्वांटिटीज को दूसरी साइड लेके आना पड़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड, दूसरे जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। लेंथ यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरा गया तो क्या होगा, डिवाइड होगा। रेजिस्टेंस का जो यूनिट है ये क्या रहेगा, दैट इज ओम। एरिया जो है इसका यूनिट क्या रहेगा, दैट इज एरिया, हम लोग मेजर किसमें करते, मीटर स्क्वायर में। लेंथ का जो यूनिट रहेगा ये किस में रहेगा, दैट इज मीटर में। यहाँ पे मीटर और ये स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। रेजिस्टिविटी का जो भी यूनिट रहेगा ये यहाँ पे क्या रहेगा, ओम क्या रहने वाला है, मीटर। ठीक है, आई होप इसका यूनिट भी आपको क्लियर है करके। तो रेजिस्टेंस का सिग्निफिकेंस क्या है, रेजिस्टेंस को आप यूज करते हो क्या करने के लिए, करंट को कंट्रोल करने। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना क्या रहेगा, करंट लेस, और सेम चीज जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा करंट क्या होगा, उतना क्या होगा, ज्यादा। सेकेंड, सेकेंड क्या होता है, ये किसके लिए यूज किया जाता है, वोल्टेज को डिवाइड करना। तो लेट से मुझे क्या है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बल्ब, हम लोग तीन बल्ब कनेक्ट कर रहे, लेकिन ये तीनों बल्ब कितने पे चलता है, दैट इज 5/3 वोल्ट पे चलता है। तो मैं क्या करूंगा, तीन रेजिस्टर्स को क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा, जिससे ये वोल्टेज भी क्या होगा, 5/3, 5/3, 5/3 से क्या हो जाएगा, दैट इज डिवाइड।
सेम चीज, अगर मैंने क्या किया यहाँ पे 4 वोल्ट कनेक्ट किया पोटेंशियल डिफरेंस, और मैंने 4 रेजिस्टर्स कनेक्ट किए, तो ये रेजिस्टर्स करता है क्या है, ये वोल्टेज को डिवाइड करने में क्या करता है हेल्प। तो यहाँ पे भी कितना होगा, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, तो दैट इज ये किस में हेल्प करता है, वोल्टेज को डिवाइड करने में हमें क्या करता है हेल्प। सेकेंड चीज है किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है डिवाइसेस, हीटिंग डिवाइसेस। अभी हीटिंग डिवाइसेस मतलब क्या रहेगा, जो आपका क्या रहने वाला है, हीटर्स जो पानी को गर्म करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा टोस्टर, और दूसरा क्या दैट इज आयन जो रहता है जो कपड़ों को इस्त्री करने के लिए जो यूज करते, वो सारे डिवाइसेस में रेजिस्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। होता है क्या एग्जैक्टली, कोलिजन के वक्त जो इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं उसके काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, दैट इज थर्मल एनर्जी, और ये थर्मल एनर्जी के वजह से क्या होता है, ये हीट क्या होता है जनरेट। आई होप आपको रेजिस्टेंस का सिग्निफिकेंस क्लियर है। जैसे पहले किसमें हेल्प करता है, दैट इज करंट को कंट्रोल करने में, सेकेंड ये किस में हेल्प करेगा वोल्टेज को क्या करने डिवाइड, एंड थर्ड जो है ये किस में हेल्प करता है हीटिंग डिवाइसेस जैसे कि हीटर, टोस्टर, आयन। इसमें क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड है दैट इज हम लोग को यूज करने, पानी गर्म करने, ब्रेड को दैट इज टोस्ट करने, या कपड़ों को इस्त्री करने के लिए हमें क्या लगेगा, हाई टेम्परेचर लगेगा। एप्लीकेशन कैसे होता है, दैट इज कोलिजन होने के वजह से जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो किस में कन्वर्ट होता है, दैट इज वो कन्वर्ट होगा थर्मल एनर्जी। आई होप ये पार्ट अच्छे से आपको क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट रहेगा दैट इज बेस्ड ऑन क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एग्जैक्टली क्या रहता है, ये कंटिन्यूअस पाथ रहेगा किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए, ठीक है। ये कंटिन्यूअस पाथ बना किसका रहेगा, कंडक्टिंग वायर्स जो किसके बीच में कनेक्टेड है, टू एंड्स ऑफ अ सेल, देख रहे हैं, दो एंड ऑफ अ सेल को क्या है कनेक्टेड है किसके साथ, विद अदर रेजिस्टेंसेस के साथ। एक और बात, सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या रहता है, ये कंटिन्यूअस पाथ रहता है किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, किसके थ्रू मूव करने, कंडक्टिंग वायर्स, कहाँ पे कनेक्टेड रहता है, दो एंड्स ऑफ अ सेल में, एंड क्या बोला है, अदर रेजिस्टेंसेस। मेन चीज आपको ये पता रहना चाहिए, एमीटर को हमेशा क्या करते हैं सर्किट में, सीरीज में क्या करते हैं कनेक्ट, और जो वोल्ट मीटर है उसको हमेशा कैसे कनेक्ट करना रहता है, पैरेलल। एक और जो कंसेप्ट है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली क्या रहता है हाई, एम मीटर का जो रेजिस्टेंस है ये एक्सट्रीमली क्या रहता है लो, ठीक है। एम मीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट करना रहता है सीरीज, वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट करना रहता है पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट क्यों करते, क्योंकि चीजें जब पैरेलल में कनेक्टेड रहता है तो उसका वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। सीरीज में जब कनेक्टेड रहता है तो क्या सेम रहता है, करंट। इसीलिए एमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस है, करंट सीरीज में सेम रहता है, इसीलिए एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। वोल्ट मीटर क्या रहता है, पैरेलल में, रीजन बीइंग क्या, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज पैरेलल के इसमें कनेक्शंस में क्या रहता है, सेम रहता है, इसीलिए वोल्ट मीटर को किधर कनेक्टेड रहता है, पैरेलल में, ताकि वो क्या बता पाए, करेक्ट वोल्टेज क्या कर पाए, बता पाए। आई होप ये पार्ट यहां तक क्लियर है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिफरेंट जो कंपोनेंट जो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे, एक एक के सिंबल से। इलेक्ट्रिक सेल जो है हायर पोटेंशियल, और ये क्या रहेगा, लोअर पोटेंशियल। कलेक्शन ऑफ सेल्स जो है क्या करेंगे, दैट इज बहुत सारे बैटरीज को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, दैट इज सीरीज में, प्लस यहाँ पे रहेगा माइनस, प्लस और इधर आएगा माइनस, प्लस और यहाँ पे रहेगा माइनस। नेक्स्ट है ओपन की। ओपन की कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज यहाँ पे दो एंड्स के बीच में क्या रहेगा, गैप। क्लोज्ड की जो है इसके दोनों एंड्स में गैप रहता है क्या, नहीं रहता है। दूसरा है कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है, ये दोनों वायर्स क्या रहेगा, जॉइंट रहेगा। क्रॉसिंग वायर्स, ठीक है। नेक्स्ट है लाइट बल्ब। तो लाइट बल्ब में सबसे पहले अभी जो लाइट बल्ब है, जब ये ऑन बताना है तो इसके ऊपर क्या डालेंगे, डैश,
सेम चीज, जब इसको मुझे क्या करना है, दैट इज ऑफ बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई भी डैश नहीं डालेंगे, तो ये क्या रहेगा, दैट इज ऑन, ये इंडिकेट करेगा कि बैटरी क्या रहेगा, ऑफ। नेक्स्ट दैट इज रेजिस्टर, रेजिस्टर को हम लोग दैट इज एक डैश के हिंड्रेंस के, जैसे आप स्पीड ब्रेकर्स देखते हो वैसे ही सेम इसका सिंबल। नेक्स्ट है दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, बस इसके ऊपर क्या डालते, एक एरो डालते, ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे दैट इज आर, इधर भी क्या लिखेंगे दैट इज आर, यहाँ पे क्या लिखेंगे दैट इज एल, इधर क्या लिखेंगे दैट इज के, यहाँ पे क्या लिखा जाता है दैट इज ई लिखा, सेल को रिप्रेजेंट करने। दूसरा एम मीटर जो है, इसका हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लोग अंदर लिखते ए, इसका जो स्टार्टिंग एंड हो रहेगा प्लस, दूसरा एंड क्या रहेगा माइनस। वोल्ट मीटर जो है वैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे वी, एक एंड रहेगा प्लस, दूसरा एंड यहाँ पे क्या रहने वाला है माइनस। अब एक एक का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे, तो यूज क्या है, तो इलेक्ट्रिक सेल ये किसके लिए यूज होता है, टू मेंटेन क्या बोला गया, पोटेंशियल डिफरेंस। कलेक्शन ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, टू इंक्रीज यहाँ पे क्या बोला गया, पोटेंशियल डिफरेंस। ओपन की ये किसके लिए यूज है, टू स्टॉप, आप बोल सकते हैं टू स्टॉप द फ्लो ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, या आप बोल सकते हैं दैट इज करंट को क्या करता है, दैट इज स्टॉप करता है। नेक्स्ट क्लोजली, तो ये क्या करता है, टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करने में हेल्प करता है, करंट को क्या करने में हेल्प करता है, दैट इज स्टार्ट करने में या मूव करने में क्या करता है, हेल्प। कनेक्टिंग वायर्स ये क्या करता है, दैट इज पाथ क्रिएट करता है फॉर क्या बोला गया, दैट इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्रॉसिंग वायर्स ये किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, वायर्स विच आर नॉट कनेक्टेड, ठीक है, वायर जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ऊपर का वायर ये नीचे के वायर के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्रॉसिंग वायर। अब लाइट बल्ब जो है ये किसके लिए यूज करते हैं, टेस्ट द फ्लो ऑफ यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, या आप बोल सकते हैं दैट इज करंट का फ्लो को चेक करने के लिए क्या करते हैं यूज, अगर लाइटेड रहेगा तो करंट यहाँ पे क्या होगा, दैट इज फ्लो होगा, ठीक है, और अगर क्या रहेगा दैट इज अनलाइटेड रहेगा तो यहाँ पे करंट क्या होने वाला है, दैट इज स्टॉप होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, दैट इज रेजिस्टर, रजिस्टर किसमें हेल्प करता है, दैट इज कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्या है, दैट इज करंट, तो करंट के फ्लो को कंट्रोल करने में क्या करता है, हेल्प। वेरिएबल रजिस्टेंस ये किसमें हेल्प करता है, टू चेंज द वैल्यू ऑफ यहाँ पे क्या होगा, दैट इज रेजिस्टेंस, वैल्यू को चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। एमीटर, एमीटर किस में यूज किया जाता है, मेजर, ठीक है, टू मेजर आप बोल सकते करंट, एंड वोल्ट मीटर टू मेजर क्या, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप यहां तक ये पार्ट क्लियर है, जस्ट हर एक का जो मेन यूज जो है वो आप क्या करना, ध्यान रखना अलोंग विथ सिंबल्स, या आपको कंप्लीट द फॉलोइंग वगैरह किसमें भी आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में, मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, एक्सट्रीमली क्या रहेगा, लो, उसको हम लोग किसमें काउंट करते हैं, कंडक्टर्स में। इसमें क्या रहेगा, दैट इज बहुत सारे क्या रहने वाले, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। दूसरा क्या है, क्या इंक्लूडेड इसमें, तो इसमें इंक्लूडेड है मेटल्स जैसे कि कॉपर, सिल्वर एंड क्या एल्यूमिनियम, ये किसमें हेल्प करता है, ये अलाउ करता है करंट को क्या होने, इजीली क्या होने, फ्लो होने उसके थ्रू। दूसरा इसमें क्या होता है, बहुत कम एनर्जी लॉस होता है, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, इसीलिए किसके लिए यूज किया जाता है, वायर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा है इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स क्या बोला गया, मटेरियल्स जिनका रेजिस्टेंस क्या है, एक्सट्रीमली क्या है, हाई,
दूसरा, इसमें क्या रहता है, बहुत कम क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, ग्लास, सिरामिक और क्या रहता है, वुड। किसमें यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो को क्या करने, दैट इज स्टॉप करने के लिए। तो इसको हम लोग ज्यादा करके किसमें यूज करते, जो वायर्स के ऊपर का जो कवरिंग रहता है, और दूसरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के ऊपर कुछ कवरिंग रहेगा, तो वो बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते, इंसुलेटर्स का क्या करते, यूज करते। आई होप ये पार्ट क्लियर है। फिर एक छोटा सा वहां पे एक सब टॉपिक दिया है, वो भी समझा देता हूं आपको, सुपर कंडक्टर्स। अब ये क्या रहता है, सर्टेन मटेरियल्स जो रहता है, इसको हम लोग क्या करते, दैट इज कितने तक लेते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते, या 0 केल्विन करके भी बोलते हैं। इतने लो टेम्परेचर्स पे जैसे ही कोई मटेरियल आ जाता है, होता है क्या है, उसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होता है, 0। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि अगर आप क्या करोगे, दैट इज करंट इसके थ्रू क्या करोगे, पास करोगे, तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। करंट कंटिन्यूअसली क्या होगा, जिंदगी भर क्या होगा, वो सर्किट के थ्रू फ्लो होते जा सकता है। ये है दैट इज सुपर कंडक्टर्स, जिसमें मटेरियल्स को जब हम लोग दैट इज 0 केल्विन तक लेके जाते, तो उसका जो रेजिस्टेंस है ये नियरली इक्वल टू क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। उसमें एक सेकेंड है, दैट इज कॉल्ड एज क्या बोला गया, नॉन ओमिक क्या है, कंडक्टर्स। अब ये ऐसे टाइप के वायर्स है जो क्या नहीं करता है, बोला गया दैट इज ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। ओम्स लॉ नहीं फॉलो करने का मतलब क्या है, कि यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा किसके बराबर नहीं रहेगा, आई इंटू आर के बराबर नहीं रहेगा। इसका ग्राफ भी आप देख सकते हो, ओमिक डिवाइसेस जो ओम्स लॉ फॉलो करता है उसका ग्राफ कैसे रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। लेकिन जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स है, इनका ग्राफ क्या नहीं रहता है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है। आई होप ये पार्ट अच्छे से आपको क्लियर है। इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज का लेक्चर यहाँ पे क्या करेंगे, एंड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, सारे जो डिफरेंट टाइप के कनेक्शंस है वो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो उसमें पूरा हमारा डेरिवेशन वाला पार्ट आएगा, यहाँ पे हम लोग का पूरा थियोरेटिकल पार्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट ऑफ हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।